सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राज्य में लगातार कोरोना ने अपने कहर बरपाना एक बार फिर शुरू कर दिया है, तेजी से पांव पसार रही है। इसे लेकर पलामू पीएमसीएच में क्या तैयारी है, जानेंगे एनके सिंह जो यहां हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है। अभी तक कितने पॉजिटिव केस पलामू में आए हैं और उनकी क्या व्यवस्था की गई है और क्या क्या तैयारी पीएमसीएच अस्पताल में की गई है। सबसे पहले तो बताइए कि लगातार कोरोना की कहर जो है जा रहा है, क्या तैयारी है सर? अभी तक कितने केस हैं यहाँ पर? अभी जिले का रिपोर्ट है कि 16 पॉजिटिव केस आया है, जिसमें होम क्वारंटाइन ही सब है। एक पॉजिटिव है यहाँ पर जो एडमिट है हम लोग के यहाँ, वो भी ट्रिपल सी में एसिम्प्टोमेटिक केस है। और मॉडरेट टू सीवियर केस के लिए हम लोग डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है, जिसमें 31 बेड का हॉस्पिटल है एडमिशन के लिए, डेडिकेटेड DCH जिसको बोलते हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। और उसमें 13 बेड विथ ICCU के साथ है। अभी तक जितने भी मान लीजिए कि जो भी आ रहे हैं, तो उनके लिए तैयारी क्या क्या की गई है? जैसे हॉस्पिटल में जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी तैयारी सदर अस्पताल में, खासकर PMCH में क्या क्या की गई है? हम लोग 100 बेड लगा दिए हैं वहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक के लिए। देखिए, हर ग्रेड में होता है ना, एक एसिम्प्टोमेटिक केस होता है जिसको हम लोग CCC बोलते हैं, CCC कोविड केयर सेंटर, जिसमें हम लोग एसिम्प्टोमेटिक केस को ही रखते हैं। और एक होता है DCSC डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, उसमें हम लोग माइल्ड टू माइल्ड केसेस को मेनली रखते हैं। और मॉडरेट टू सीवियर केस के लिए हमारा DCH है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जो 31 बेड का है। एक बात बताइए सर कि जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल जो लोग इलाज कराने आ रहे हैं, जनरल जो लोग आ रहे हैं PMCH में, उनकी क्या तैयारी? आप जैसे डायरेक्ट वो चिकित्सक से मिलते हैं या उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था या मास्क लगाने का कितना आपने यहाँ पर जागरूकता? हालांकि हमने देखा कि सदर अस्पताल पहुँचने वाले अधिकतर लोगों के चेहरे से मास्क गायब मिले थे, क्या कहना आपका सर? हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि मास्क पहन कर आओ, और डॉक्टर तो मास्क पहनिए रहे हैं, सैनिटाइजर हम लोग OPD में और इमरजेंसी में रखे हुए हैं, यूज होता है। लेकिन अब पेशेंट के लिए तो हम लोग जागरूक करिए रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि भाई बिना मास्क, ये तो नहीं कह सकते हैं कि बिना मास्क का हम लोग देख नहीं पाएंगे, देख ही लेते हैं हमारे डॉक्टर लोग, लेकिन हम लोग अवेयरनेस करते हैं कि मास्क पहन कर आइए तब हम लोग देखेंगे। क्या लगता है ये जागरूकता आपका जो अभियान चल रहा है जिला, खासकर स्वास्थ्य विभाग से, मतलब यहाँ के जो मरीज हैं उन पर कितना असर दिख रहा है? आपको लगता है कि उसमें कुछ जागरूकता लोगों में आई है? जागरूकता आई है, दोनों में जागरूकता आई है, सोशल डिस्टेंस में भी और वैक्सीनेशन में भी जागरूकता आई है। अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं और लेने के लिए इच्छुक हैं। अगर एकाएक राज, मतलब राज्य में जिस तरह से कोरोना कहर बरपा रही है और अगर डाल्टनगंज में इसका महामारी का रूप लेता है, तो आपके यहाँ इसके लिए क्या, मतलब अभी फिलहाल में जिला प्रशासन, मतलब आपके स्वास्थ्य विभाग की तैयारी चल रही है? वहीं हम तो बोले ही हैं कि हम लोग वहीं 31 बेड का कोविड हॉस्पिटल DCH रखे हैं, जिसमें कि 13 बेड लाने का मान ली कि अगर पॉजिटिव केस अगर आपको नज़र आता है कि ये पॉजिटिव केस है, तो उसके लाने के लिए उसको यहाँ या होम क्वारंटाइन कर रहे हैं या फिर यहाँ ला करके उसको होम, मेनली जोर हम लोग दे रहे हैं होम क्वारंटाइन का। अगर जो होम क्वारंटाइन में नहीं रहना चाहिए वो अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो CCC में हम लोग रहते हैं, 100 बेड का CCC हम लोग बनाए हुए हैं GNM कॉलेज में। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि सर जैसे जो लगातार अभी जागरूकता, आपने कहा कि लोगों के हमने सैनिटाइजर यहाँ पर रखे हैं या मास्क लगाने के लिए कर रहे हैं लोगों से, क्या लगता है कि ये कारगर असर दिख रहा है? इतना ही काफ़ी कि इसके अलावा भी कुछ करनी पड़ेगी? नहीं, जागरूकता तो बराबर करते रहना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाता है, एक एक दिन आउटडोर करीब 700-800 होता है, तो प्रॉब्लम तो होता ही है। जागरूकता करने के बाद भी कुछ लोग रूल को, रेगुलेशन को तोड़ देता है, तो अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे, जितना प्रयास रहेगा उतना हम लोग करेंगे।
चलिए, प्रयास जितना रहेगा उतना करेंगे। कोरोना कहर अपना बरपा रही है और राज्य के साथ साथ पलामू जिले में भी दस्तक दे दी चुकी है। 16 अभी यहाँ पर पॉजिटिव केस मिले हैं जिन्हें रखा गया है और लगातार लोगों के बीच जागरूकता चलाया जा रहा है, लेकिन जागरूकता का कितना असर दिख रहा है ये इनमें कहना, इनका यह कहना है कि लोग इसका सरकारी गाइडलाइन, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, जरूरी है कि लोग पालन कर रहे हैं। जरूरत है लोगों के बीच जागरूकता लाने की। हालांकि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता ही है, लेकिन मास्क के प्रति अभी भी वो जागरूकता नहीं आई जितना जिला प्रशासन चाह रही है। जिला प्रशासन लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है, परंतु जरूरत है लोगों को खुद जागरूक होने की।